इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ओके, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पिक्चर में आपने कितने बर्ड्स देखे? अगर आपका आंसर है 3, सो दैट इज द राइट आंसर, आपका इस इमेज पर अच्छे से अटेंशन था। और अगर आपने अटेंशन नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, इस इमेज में पेड़ है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है और माउंटेन्स है। तो आपका ध्यान किसी भी चीज पर जा सकता था, फिर चाहे वो पेड़ हो, चिड़िया हो, फ्लावर हो या फिर माउंटेन हो। तो ऐसी कोई सी भी चीज जिस पर आपका अटेंशन जाता है उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, जो कि आपके सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे। सेंसरी रिसेप्टर यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स को। फॉर एग्जाम्पल, जो पेड़ है, फ्लावर्स है, माउंटेन्स है, ये आपके आइज को स्टिमुलेट कर रहे हैं। वैसे सिमिलरली अगर आप किसी चीज़ को टच करोगे तो आपके टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, आप किसी चीज़ को स्मेल करोगे तो आपके स्मेल रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। और ये जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स है, जब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अटेंशन। सो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। सो अटेंशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन एन ऑब्जेक्ट स्टिमुलाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी अवेयरनेस में लाते हैं, हमारी वॉलेंट्री अवेयरनेस में लाते हैं। तो अटेंशन क्या होता है, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर किसी स्टिमुलाई को पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियसनेस तक जाती है। सेकेंड डेफिनेशन है, अटेंशन इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में हमने देखा पिछली इमेज में कि बहुत सारे स्टिमुलाइज थे, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, बर्ड्स, क्लाउड्स, ट्रीज, फ्लावर्स। तो उन सब स्टिमुलाई में से आपने किसी एक चीज पर जब ध्यान दिया तो वो आपका स्टिमुलाई हो गया। और उस स्टिमुलाई को आप कहाँ तक लेकर जाते हो, अपने कॉन्शियसनेस तक। तो अटेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप स्टिमुलाई को, अपने स्टिमुलाई जो रहता है उसको आप सिलेक्ट करते हो एनवायरनमेंट से और उसको अपने कॉन्शियसनेस तक लेकर जाते हो। सिमिलरली एक और डेफिनेशन होगी, अटेंशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच स्टिमुलाई इज अटेंडेड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स विच कन्वे सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू माइंड। अब यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स का मतलब है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन को कैच करते हैं। जैसे कि आइज के अंदर हमारा रेटिना होता है, रेटिना के अंदर आपके रॉड्स एंड कोन्स सेल होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं लाइट के। सिमिलरली हमारे ईयर के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स रहते हैं। सिमिलरली हमारे जो नोज है उसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो अटेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को कैच करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, ब्रेन को देते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सपोज करिए आपका ध्यान एक पेड़ पर है और पेड़ को आप विजुअली देख सकते हो, आप पेड़ को टच कर सकते हो, है ना, आप पेड़ में जो फ्रूट्स है उसको आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप जो आवाज़ आ रही है पेड़ से, जो हिलता है, उसकी पत्तियों की आवाज़ आप उसको सुन भी सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो स्टिमुलाई की थी, इतने सारे फैक्टर्स जो थे, इतने सारे एस्पेक्ट्स थे, उन सबको आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स उनने क्या करा, रिसीव किया, ठीक है। इन सब इन्फॉर्मेशन को आपके सेंसरी रिसेप्टर्स ने क्या करा, रिसीव किया। तो हम बोल सकते हैं कि अटेंशन में स्टिमुलाई को हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स पहले डिटेक्ट करते हैं हमारे 5 सेंस के थ्रू, और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं हमारे ब्रेन को थ्रू सेंसरी नर्व्स। तो हम बोल सकते हैं कि अटेंशन के अंदर हम किसी स्टिमुलाई को इन्वायरमेंट से परसीव करके, इन्वायरमेंट से उसको अटेंड करके हम कॉन्शियसनेस तक उस इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ अटेंशन की। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है आपकी वो है ब्रॉडबैंड थ्योरी ऑफ फिल्टर्ड अटेंशन। इस थ्योरी के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे 4 एस्पेक्ट्स हैं, इनपुट्स, सेंसरी बफर, फिल्ट्रेशन और फिर हमारी मेमोरी प्रोसेस। तो जो इनपुट का यहाँ पे मतलब है, इनपुट से मतलब है कि आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं, ठीक है। ईयर से भी पिक कर सकते हैं, आईज से भी पिक कर सकते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पूरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप सिर्फ आईज से उसको परसीव नहीं करते हो, सिर्फ आईज से उसको अटेंड नहीं करते हो, आपका जो ईयर्स है, आपका जो 3D सेंस है, प्रोप्रियोसेप्शन है,
ठीक है, आपको ऑल्फैक्शन है, वो सब प्रेजेंट रहता है। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स आपके ब्रेन को एट अ पर्टिकुलर टाइम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है वो सब सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली आपके ब्रेन को भेजते हैं, और इस कलेक्टिव सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हम सेंसरी बफर कहते हैं। तो सेंसरी बफर से कुछ चीज़ें होगी जो कि फिल्टर होके कहाँ तक जाएगी, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर परसेप्शन तक जाएगी। तो फिल्टरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें से सिर्फ बहुत कुछ कम इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी, आपके परसेप्शन तक जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसका जो शेप है बॉटल की तरह है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को हम बॉटल नेक बोलते हैं। तो बॉटल नेक का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि बॉटल होती है उसका जो हेड होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और जो सेंटर पीस होता है बॉटल का वो बहुत थिक होता है, लार्ज होता है। उसी तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक तो बहुत सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, लेकिन आप बहुत कम चीज़ों पर क्या करोगे, फोकस करोगे, ठीक है। तो ये पहली थ्योरी थी जिसमें कि क्या बोला गया कि इनपुट्स जो हमारे सेंसरी इनपुट्स रहते हैं उससे सेंसरी बफर बनता है, और सेंसरी बफर से सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन ही हमारे ब्रेन तक पहुंच पाती है, माइंड तक पहुंच पाती है, हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। लेकिन ये थ्योरी हल्की सी, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। तो फिर दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम है ट्रीसमैन्स थ्योरी ऑफ फिल्टर्ड अटेंशन। तो इसमें फिल्टर की जगह हमने एटीन्यूएटर रख दिया। अब जो एटीन्यूएटर है उसका मतलब है कि हम जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, हम सारी इन्फॉर्मेशन को पूरी कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करते, हम बस उसको वीक कर देते हैं, उसका जो इंटेंसिटी इन्फॉर्मेशन की उसको कम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा काम कर रहे हो और आप पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हो तो आपके आसपास इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है आपको एज सच इतना आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब इन्फॉर्मेशन वीक हो गई है। मगर अगर आपका कोई नाम ले ले इन्वायरमेंट में तो आपका अटेंशन तुरंत फ्लक्चुएट होके डिवाइड हो जाएगा दूसरी जगह पे, राइट। तो ये कैसे हो, अगर इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं तो आपको इन्वायरमेंट का अपना आइडिया नहीं रहता। तो अगर आपको कोई नाम बोलता है इन्वायरमेंट तो आपका ध्यान नहीं जाता। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक तो जाती है, लेकिन सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली जाती है जिस पर हमारा फोकस होता है, बाकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो चैनल्स है वो वीक हो जाते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। सो दैट वॉज ट्रीसमैन्स थ्योरी ऑफ अटेंशन। दोनों में डिफरेंस ये है, पहला मॉडल में एटीन्यूएटर की जगह फिल्टर था, फिल्टर में जो हमारे ब्रॉडबैंड थे उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आगे जाती है जो जिस पे हम अटेंड कर रहे हैं, जिस पे हम अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंड मॉडल था ट्रीसमैन मॉडल, उन्होंने कहा कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं होती, पार्शली भी ब्लॉक नहीं होती, बस उनका जो सिग्नल है, जो उनका एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। सो दैट वॉज अबाउट द मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ अटेंशन। अब हम टाइप्स ऑफ अटेंशन देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ अटेंशन में आपके दो क्लासिफिकेशन, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री को हम वॉलिशनल अटेंशन भी बोलते हैं और इनवॉलेंट्री को हम नॉन वॉलिशनल अटेंशन भी बोलते हैं। सो फर्स्ट लेट वी टेक अ लुक एट वॉलेंट्री अटेंशन। तो वॉलेंट्री के अंदर हमारे दो डिविजन है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। वॉलेंट्री यानी कि ये अटेंशन हम कॉन्शियसली करते हैं, ठीक है, ये अटेंशन हम कॉन्शियसली किसी चीज़ पर करते हैं। तो इम्प्लिसिट के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप पे आपका टीचर गुस्सा कर देता है क्लास के अंदर, तो आपका तुरंत अटेंशन क्लास में चले जाता है ना, फिर आप क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देते हो। अगर आपका क्लास में अटेंशन नहीं है और आपका टीचर गुस्सा कर देता है, फिर किसी और पे गुस्सा कर रहा है, तो आप डर के कारण उस पूरे एक लेक्चर में अटेंशन देते हो और वॉलेंट्री अटेंशन देते हो क्योंकि आप डर गए हो, राइट। तो वॉलेंट्री अटेंशन में क्या होता है, आपको बस एक सिंगल एक्ट ऑफ विल के जरिए आप बहुत लंबा अटेंशन देते हो, आप सस्टेन्ड अटेंशन देते हो। वहीं एक्सप्लिसिट अटेंशन में आपको बार बार अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इट मीन्स इट टेक्स रिपीटेशन ऑफ विल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक्सप्लिसिट में जब आप होमवर्क करते हो तो आपको बार बार अपने आप को ध्यान देना पड़ता है, आपको बार बार अपना विल पावर बनाना पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि इम्प्लिसिट में सिंगल एक्ट ऑफ विल रहता है और एक्सप्लिसिट में रिपीटेड एक्ट ऑफ विल रहता है। यानी कि एक्सप्लिसिट अटेंशन थोड़ा टफ रहता है, इसमें विल पावर रहता है, इसमें इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत रहती है आपको। वहीं इम्प्लिसिट जो आपका अटेंशन है वो सिंगल एक्ट ऑफ विल के जरिए आपका सस्टेन अटेंशन आप बहुत लंबे समय तक रख पाते हो।
वहीं अगर हम इनवॉलेंट्री अटेंशन की बात करें तो इसमें दो सब टाइप्स हैं, एनफोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस। एनफोर्स्ड का मतलब है इट इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सिखाई नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, बच्चा रोता क्यों है? इंस्टिंक्ट है। बच्चा पैदा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करता है? इंस्टिंक्ट है। तो ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, ये हमारा नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन नेचर और हमारा जो लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनफोर्स्ड अटेंशन के अंदर, ठीक है, हम एग्जांपल दे सकते हैं टीनेज लव का, ठीक है, या फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं जब एक लड़का 12-13 साल का होता है तो उसका ऑपोजिट सेक्स की तरफ ध्यान जाता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, उनको कोई नहीं सिखाता। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होती है। प्रोसेस क्या होती है? ऑटोमेटिकली होती है। सो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोल सकते हैं एनफोर्स्ड अटेंशन, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका एक और नाम क्या है? इंस्टिंक्चुअल अटेंशन। वहीं अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस अटेंशन की, तो स्पॉन्टेनियस अटेंशन बेस्ड होता है हमारे सेंटिमेंट के ऊपर। सेंटिमेंट यानी कि हमारे इमोशंस के ऊपर। ठीक है, तो किसी भी स्टिमुलाई पे हमारा क्या इमोशन है या फिर वो स्टिमुलाई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ का ध्यान उस बच्चे के ऊपर ऑटोमेटिकली जाएगा, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशन। ठीक है, अगर भीड़ में 10 बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर माँ का लड़का रोए तो माँ अपना बच्चा पहचान लेगी कि इस भीड़ में मेरा बच्चा भी रो रहा है। आ रहा है समझ में? सो इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटिमेंट, और ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब इसमें आपको कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेम चीज़ जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, ये ऑटोमेटिकली होता है, और जो इमोशन बेस्ड आपके अटेंशन रहता है वो भी ऑटोमेटिकली होता है। सो डैट वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ अटेंशन। अब हम एक और टाइप पढ़ेंगे अटेंशन का, ये बेस्ड है आपका ड्यूरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार टाइप से, डिवाइडेड, सस्टेन्ड, सिलेक्टिव एंड अल्टरनेटिंग। डिवाइडेड अटेंशन में क्या होता है कि आप दो स्टिमुलाई पर एक ही टाइम पर ध्यान देते हो, सो यू फोकस ऑन टू स्टिमुलाई, तो 50-50% आपका क्या हो जाता है? अटेंशन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप खाना भी बना रहे हो तो उस टाइम पे आपका अटेंशन डिवाइडेड रहता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइडेड अटेंशन। फिर आता है एग्जाम्पल सस्टेन्ड अटेंशन का। सस्टेन्ड अटेंशन के अंदर आप किसी भी स्टिमुलाई या फिर ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी वर्क के ऊपर बहुत लंबे समय तक फोकस करते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। फिर आता है आपका सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन में हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के जो स्टिमुलाई है उसको इग्नोर करके हम किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं रोड पे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई रहते हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहता है? रोड के ऊपर और सिग्नल के ऊपर। तो हम कौन सा अटेंशन कर रहे हैं उस टाइम पे? सिलेक्टिव अटेंशन। सेम चीज़ अल्टरनेटिव अटेंशन का मतलब है कि आप स्विच करते हो अटेंशन अकॉर्डिंग टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी इस वक्त अगर आप मोबाइल चला रहे हो और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई भी कर रहे हो, तो साथ में आप क्या करो? डिवाइडेड अटेंशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, आपने दोनों को स्विच कर लिया। अल्टरनेटिव अटेंशन में क्या हुआ कि आपने एक स्टिमुलाई के ऊपर थोड़ा सा फोकस दिया, फिर थोड़े समय बाद आपने दूसरे स्टिमुलाई पे थोड़ा फोकस दिया, तो यू आर अल्टरनेटिंग योर अटेंशन बिटवीन द स्टिमुलाई। तो अल्टरनेटिव अटेंशन में आप क्या करते हो, स्टिमुलाई के बीच में आप स्विच करते हो अटेंशन। ठीक है, तो पहले आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे थे, फिर उस चीज़ को आप कम्प्लीटली छोड़ के आप दूसरी चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते रहते हो, फिर उसके बाद छोड़ के आप फ़ोन पे ध्यान देते हो, फिर फोन को छोड़ देते हो, फिर उसके बाद आप कम्प्लीटली किस पे ध्यान देते हो? पढ़ाई पे ध्यान देते हो। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिव अटेंशन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। तो दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो कि आपके अंदर मौजूद है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, यानी कि स्टिमुलाई के फैक्टर्स। ठीक है, स्टिमुलाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आपके अंदर आपका माइंड क्या है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, आपकी फिजियोलॉजी क्या है, वो सब किस में आएगी? इंटरनल फैक्टर्स में। तो कैसे डिपेंड करते हैं इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर? अगर आपका इंटरेस्ट है किसी स्टिमुलाई के ऊपर तो आपका टेंशन ज़्यादा जाएगा। अगर आपकी पसंद की कोई सी ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो आप उस पर ज़्यादा टेंशन दोगे। मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको भूख लगी है तो खाने पर आपका ध्यान जाता है। एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो
तो आपका उस चीज़ पर अटेंशन ज़्यादा जाएगा। एज के ऊपर डिपेंड करता है, बचपन में आपका अटेंशन टॉयज के ऊपर जाता है, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका अटेंशन मनी के ऊपर जाता है। जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स का जो अटेंशन होता है वो अलग होता है, ठीक है, और अलग अलग स्टिमुलाई के ऊपर होता है। फीमेल्स जो है उनका अटेंशन अलग ऑब्जेक्ट पे जाता है और मेल्स का अटेंशन अलग ऑब्जेक्ट पे जाता है। नीड एंड ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है और आपकी ड्राइव कितनी है किसी चीज़ को पाने की। फिजियोलॉजी ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी आँख अच्छे से काम कर रही है, आपके कान अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके नाक अच्छे से काम कर रही है, तो अगर ये सब ऑर्गन्स ही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप अटेंशन कैसे देंगे। फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप थके हुए होते हो तो अटेंशन का जो स्पैन होता है वो कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, अटेंशन की क्वालिटी भी कम हो जाती है। मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटल स्टेट यानी कि आपका उस टाइम पे इमोशनल स्टेट क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपका मूड क्या है, आपका आपका फीलिंग्स क्या है उस टाइम पे, तो उस पर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, जो नर्सरी में हम बच्चों को सिखाते हैं बैठना, है ना, स्टार्टिंग में बच्चे को हम आधा आधा घंटे का लेक्चर्स रहते हैं नर्सरी में, क्यों रहता है, क्योंकि हम बच्चे की प्रैक्टिस करवाते हैं रिपीटेशन के थ्रू, कि अभी आधा घंटा बैठेगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, एक एक घंटे का लेक्चर भी अटेंड कर पाएगा। छोटा बच्चा एक बार में एक घंटे का लेक्चर अटेंड कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन इतना लंबा रहता ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो उसमें नेचर ऑफ स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड करता है अटेंशन, कि स्टिमुलाई है क्या, ठीक है, लिविंग है नॉन लिविंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो नेचर ऑफ स्टिमुलाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ स्टिमुलाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आपका ध्यान जल्दी जाता है, दुकानों में जो बैनर्स रहते हैं वो बड़े क्यों रहते हैं, क्योंकि आपका ध्यान जल्दी जाता है। कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो ब्राइट कलर्स रहते हैं, है ना, एकदम ऐसे वाइब्रेंट कलर्स रहते हैं तो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, जैसे कि रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ये वाइब्रेंट कलर्स होते हैं तो इन पर आपका ध्यान जल्दी जाता है। मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट किसी स्टिमुलाई पे तो आपका ध्यान ज्यादा जाता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसको मूवमेंट करने वाले खिलौने ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट की, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि आपका जो स्टिमुलाई है उसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, सपोज करिए अगर मेरे हाथ में कोई सा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे हाथ में ब्लैक वॉच है, ठीक है, और मेरे को उसको दुकान में रखना है, तो मैं मेरा बैकग्राउंड भी ब्लैक नहीं रखूंगा, क्योंकि उसमें वॉच दिखेगी नहीं, आपका अटेंशन जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो मैं बैकग्राउंड को वाइट करूंगा, या फिर अगर मेरे पास वाइट बैकग्राउंड है तो मैं बैकग्राउंड को क्या करूंगा, ब्लैक करूंगा। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि स्टिमुलाई का जो बैकग्राउंड है वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए उससे, तभी आपका टेंशन जाएगा। विजिबिलिटी होनी चाहिए स्टिमुलाई की, अगर स्टिमुलाई मुझे दिख ही नहीं रहा तो मेरा ध्यान कैसे जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन की, जो स्टिमुलाई है वो आपके कितने सेंसेस को अफेक्ट कर रहा है। जब आप पिक्चर देखते हैं ना, टीवी में देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना हॉल में देखने में मज़ा आता है, क्योंकि हॉल में क्या होता है, सराउंड स्पीकर्स रहते हैं, तो आपके ऑडिटरी सेंस भी क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। कई सीट्स में वाइब्रेशन होता है तो आपके टैक्टाइल सेंस भी क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्क्रीन बहुत बड़ी रहती है तो आपको ज़्यादा विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है, तो ऑफकोर्स लोग हॉल में देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका अटेंशन ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू घर पर टीवी देखना। तो डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी कितनी है, साउंड की इंटेंसिटी, फॉर एग्जांपल अगर कोई दूर से चिल्ला तो आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि जो साउंड वेव्स है उनकी इंटेंसिटी कम है। वहीं अगर कोई बहुत ज़ोर से आपको चिल्लाता है पास से तो आपका तुरंत ध्यान जाता है क्योंकि इंटेंसिटी उस स्टिमुलाई की बहुत ज़्यादा है। नॉवेल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नॉवेल्टी यानी कि वो चीज़ आपके लिए नई है या पुरानी है, ठीक है। अगर वो स्टिमुलाई पुराना है तो आपका इतना ध्यान नहीं जाएगा, यानी कि अगर आपके सामने रोज अगर आप शेर देख रहे हो, अगर आप किसी नेशनल पार्क में काम करते हो तो आप रोज शेर देखते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर जाकर मुझे शेर दिख जाए नेशनल पार्क में तो मेरे लिए फैक्टर ऑफ नॉवेल्टी आ जाएगा, नॉवेल्टी यानी कि नया है मेरे लिए वो स्टिमुलाई, तो मेरा ध्यान उस पर ज्यादा जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट अटेंशन। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आपको और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या फिर एनार्ट फिजियो से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।